बाबा जी असं पढ़ासी चैप्टर नंबर 3 क्लास इंटर चैप्टर 3 जो अज फर्स्ट लेक्चर आए क्लास इंटर चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 एस ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स यो टॉपिक आए एस ब्लॉक एलिमेंट्स आयन जेकर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर थिंदवा या रिसीव थिंदवा एस ऑर्बिटल में एन एस ऑर्बिटल में तो उन्हें की चेवंदवा एस ब्लॉक एलिमेंट इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर आर रिसीव एन एस ऑर्बिटल इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स जेकर आठ इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल रिसीव करे इंटर थे उन्हें में तो उनके एस ब्लॉक एलिमेंट चेबो आए इन में ब ग्रुप आयन फर्स्ट ए ग्रुप आ एक उन्हें आंसर है ने लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम यो आए फर्स्ट ए ग्रुप लिथियम जो पीरियड नंबर 2 आ 3 आ 4 आ 5 आ 6 आ 7 आ सेकंड ग्रुप में आए ने बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोनियम बेरियम रेडियम फर्स्ट ग्रुप जे आखरी शेल जी कॉन्फिगरेशन आ एन एस वन आई सेकंड ग्रुप जे आखरी शेल जी कॉन्फिगरेशन आ एन एस टू अच्छा हाँ हिन में हाइड्रोजन ए हीलियम बे एस ब्लॉक जा ने हाइड्रोजन एंड हीलियम हाइड्रोजन जी कॉन्फिगरेशन आ 1s1 आई हीलियम की आए 1s2 द हाइड्रोजन हीलियम आल्सो अकॉर्डिंग टू कॉन्फिगरेशन बिलोंग टू एस ब्लॉक पर असा इन के ग्रुप में शामिल करना है हीलियम नोबल गैस में रखे लाया आई हाइड्रोजन के में एक ग्रुप सा सिमिलर ना है जी असा लास्ट लेक्चर में पढ़ी आए हो ताई लिथियम जी फैमिली में 6 एलिमेंट आए ने ताँ के मा ऑलरेडी फार्मूला बतायो जैसा एटॉमिक नंबर ठंदो आए देख रहे हैं 6 एलिमेंट आए ने तो उन्हें में 8 18 18 32 मिलाने से एटॉमिक नंबर ठंदो आ लिथियम जी को पीरियडिक टेबल में 3 एलिमेंट आ एटॉमिक नंबर 3 थजे उन्हें में 8 मिलायो 11 8 मिलायो 19 18 मिलायो 37 37 में 18 मिलायो 55 आई 32 मिलायो 87 फ्रेंशियम जे को रेडियोएक्टिव थियो ये अडी तरह बेरिलियम जो इन जो लिथियम 3 तो बेरिलियम जो एटॉमिक नंबर 4 11 12 19 20 37 38 55 56 87 88 एटॉमिक नंबर रेडियम जो एटॉमिक नंबर जो क्वा वो 88 आ अचवान लिथियम जी जेकर कॉन्फिगरेशन कयों लिथियम जे करीब नोबल गैस केडिया हीलियम हीलियम जो एटॉमिक नंबर आ 2
लिथियम मी दो लास्ट रे ए से सेकंड डे पीरियड 2s1 या एनर्जी कॉन्फिगरेशन सोडियम जे बरसा हों दिया नियान गे से एटॉमिक नंबर 10 आई थर्ड पीरियड 3s1 एनर्जी कॉन्फिगरेशन पोटेशियम 19 इन्हें जे भरवारे हों दिया आर्गन 18 एटॉमिक नंबर से पोटेशियम फोर्थ पीरियड जो आ 4s1 रुबिडियम ये बरसाइन दिया क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36 है आई रुबिडियम जो फिफ्थ पीरियड ऑफ 5s1 सीजियम ये बरसाइन दी ज़ीनान है आई उन्हें जो एटॉमिक नंबर आ 54 सीजियम बिलोंग टू सिक्स पीरियड 6s1 फ्रेंशियम जे बरसाइन दी रेडान गैस है एटॉमिक नंबर जस 86 है आई सेवन पीरियड ऑफ फ्रेंशियम जो 7s1 या बरसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी रखी सकोगा बेरिलियम जी सेम बेरिलियम के केडी नोबल गैस थी करी किलोजा हीलियम 2s2 मैग्नीशियम के नियान 3s2 कैल्शियम के आर्गन 4s2 स्ट्रोनियम के क्रिप्टन 5s2 बेरियम के ज़ीनान 6s2 रेडियम के रेडान 7s2 या बिन बिनी जी इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन आ जेकर चयें तो इस ब्लॉक में गैसेस आइन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब गैसू आइन एक हाइड्रोजन 1s1 बी हीलियम 1s2 पर असा इन के प्रॉपर प्लेस नायो दींदा चवंदा इन इस ब्लॉक जो आइन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द फर्स्ट ए ग्रुप का आंसर आ लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम फ्रेंडशिप में ने भी रेडियो एक्टिव एटॉमिक नंबर 87 आ या पॉइंट आ सेकंड ग्रुप में रेडियम रेडियो एक्टिव आईएन जो एटॉमिक नंबर 88 आ असा इन जी पहले ग्रुप जी कॉन्फ़िगरेशन NS1 आ वैलेंस शेल जी आखरी शेल जी बे दिया NS2 लास्ट शेल जी पहले ग्रुप के चंदा है वो अल्कली मेटल्स अल्कली मेटल्स अल्कली मेटल्स जो ना है पहले ग्रुप है बिकॉज दे फॉर्म अल्कलाइन बेसिक कंपाउंड विथ हाइड्रोक्साइड बे ग्रुप जो ना लवा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कलाइन है अर्थ मेटल्स अच्छा नहीं मिनी ग्रुप अंजे सॉल्युबिलिटी में फर्क आ भाई बेसिक कंपाउंड आई दा है फर्स्ट ए ग्रुप अंजे जेवा अल्कली मेटल्स एंड इट फॉर्म स्ट्रांग अल्कलाइन है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन बेसिक कंपाउंड विथ हाइड्रोक्साइड हाईली सॉल्युबल इन वाटर में हाईली सॉल्युबल इन वाटर सेकेंड ग्रुप के चेबो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स they are also alkaline पर पहले ग्रुप का लेस अल्कलाइन होगा एंड मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर
मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, बे ग्रुप जा बंस कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस के फॉर्म में वाटर के अंदर हार्ड वाटर ठाईंदा आहिनि। हार्ड वाटर कैल्शियम मैग्नीशियम आहिनि, जेकॾहिं पाणी में हूंदा त हुनखे हार्ड वाटर चइबो आहे। त पहिरें ग्रुप जो नालो आहे अल्कली मेटल, ऐं स्ट्रांग बेसिक कंपाउंड ठाहींदा आहिनि ऐं हाईली सॉल्युबल हूंदा आहिनि पाणीअ में, वाटर में। सेकेंड ग्रुप खे चइबो आहे आसो अल्कलाइन, पर पहिरें ग्रुप खां लेस अल्कलाइन आहिनि, वीक बेस इन एज कंपेयर टू फर्स्ट ए ग्रुप। ऐं इहे सॉल्युबल आहिनि वाटर में पर मॉडरेटली कैल्शियम मैग्नीशियम हार्ड वाटर ठाहींदा आहिनि आइंस। इन्हनि जी ॿ प्रॉपर्टीज़ हिक ॿिए खां चेंज आहिनि, सॉल्युबिलिटी ऐं थर्मल स्टेबिलिटी। ही बोथ ऑफ देम, ही ॿई जेके आहिनि चेंज आहिनि, फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप डिफर्स टू ईच अदर बाय नंबर वन सॉल्युबिलिटी, नंबर टू थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी फर्स्ट ए ग्रुप जी हाई आहे ऐं सेकेंड ए जी लो आहे, सेकेंड ए जी लो आहे। थर्मल स्टेबिलिटी सेकेंड ए जी हाई आहे एंड फर्स्ट ए जी लो आहे। ॿई प्रॉपर्टी डिपेंड कंदियूं आहिनि साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम्स आर आइंस। उन जे करे पहिरें ग्रुप वारनि जी बिग साइज आहे त सॉल्युबिलिटी जेकी आहे फर्स्ट ए ग्रुप जी हाई आहे, सेकेंड जी लो। इन जे करे आहे साइज बि नंढा आहिनि। थर्मल स्टेबिलिटी सेकेंड जी हाई आहे बिकॉज स्मॉल साइज ऐं फर्स्ट ए जी लो आहे बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ एटम्स आर आइंस। त हाणे सॉल्युबिलिटी जेकी आहे टॉप टू बॉटम वधंदी आहे ऐं थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज थींदी आहे। सॉल्युबिलिटी इन ग्रुप इंक्रीज, इन ग्रुप इंक्रीज, मथां खां हेठि थींदा आहियूं सॉल्युबिलिटी वधंदी आहे, बट थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, मथां खां हेठि ईंदासीं त थर्मल स्टेबिलिटी घटिबी। दिस इज ग्रुप लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीज़ियम। मथां खां हेठि ईंदासीं सॉल्युबिलिटी वधंदी, पर थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्स टू साइज आहे, साइज वधंदी थर्मल स्टेबिलिटी घटिबी। अच्छा हाणे इन खां बाद में लिथियम एंड बेरिलियम पाली ग्रुप जे अंसरनि खां चेंज आहिनि, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीज़ियम। लिथियम हिन सभिनी खां यूनिक आहे, चेंज आहे। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोनियम बेरियम, बेरिलियम हिन सभिनी खां यूनिक आहे, चेंज आहे। चार प्रॉपर्टीज़ जे करे ही चेंज आहिनि लिथियम एंड बेरिलियम यूनिक फ्रॉम देयर सेम ग्रुप एलिमेंट, सेम
ग्रुप एलिमेंट्स बिकॉज इन्हें जा चार रीजन है, स्मॉल साइज ऑफ लिथियम एंड बेरियम, टू हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम एंड बेरियम, चार्ज डेंसिटी छा स्मॉल साइज ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, एम प्लस वन एम प्लस टू, एम प्लस वन चार्ज आ इन्हें जी चार्ज डेंसिटी लो आ, एम प्लस टू आ इन्हें जी चार्ज डेंसिटी वधिक आ, एम प्लस थ्री आ इन्हें जी चार्ज डेंसिटी अन्या वधिक आ, एम प्लस फोर इन्हें जी चार्ज डेंसिटी अन्या वधिक आ, जहाँ एटम दे प्लस वन चार्ज लगन्दी उन्हें जी चार्ज डेंसिटी लोअर होंगी एम प्लस टू का, उन्हें जी लोअर होंगी एम प्लस थ्री का, उन्हें जी लोअर होंगी एम प्लस फोर का, एम प्लस वन जी साइज जी क्या वह लार्ज होंगी, एम प्लस टू जी उन्हें का घटे, एम प्लस थ्री जी अन्या घटे, एम प्लस फोर जी अन्या घटे, ता एम प्लस वन जी स्मॉल लार्ज साइज आ, एम प्लस टू जी घटा, एम प्लस थ्री जी अन्या घटा, एम प्लस फोर जी साइज अन्या घटा, माना साइज जी क्या चार्ज वधाने से डिक्रीज थी रही है, माना साइज घट भी चार्ज डेंसिटी वधंदी, चार्ज प्लस में वधंदी चार्ज डेंसिटी वधंदी, चार्ज माइनस में वधंदी चार्ज डेंसिटी लोअर थी घट भी, तो पहले ग्रुप की चार्ज आ प्लस वन बे की आ प्लस बर, पहले ग्रुप की चार्ज डेंसिटी लोअर होंगी एज कंपेयर टू सेकंड, पर लिथियम की चार्ज डेंसिटी बेरियम की पाँच बेन ग्रुपन का वधी गया, बेन ग्रुप एजेंसन का। नंबर थ्री, स्ट्रांग पोलराइजिंग इफेक्ट बाय, स्ट्रांग पोलराइजिंग इफेक्ट बाय इनर शेयर इलेक्ट्रॉन जी क्या है वो आउटर के डिस्पर्स करना है, मना लिथियम जो पोलराइजिंग इफेक्ट वधी के आ बेन का, बेरियम जो वधी के आ बेन का। नंबर फोर, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लिथियम आयन प्लस बेरियम आयन, हिना बिनी जी हीट ऑफ हाइड्रेशन वधी के आ, हीट ऑफ हाइड्रेशन छा सॉल्यूट आयन जैसे वाटर में डिजॉल्व तो वाटर हाइड्रेशन कहन तो उन्हें मां एनर्जी निकरंदी हीट ऑफ हाइड्रेशन चेबी आ, हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड आ चार्ज डेंसिटी से, चार्ज डेंसिटी घनी होंगी तो हीट ऑफ हाइड्रेशन घनी थी, तो ये चार फैक्टर हैं जैसे करे लिथियम एंड बेरियम यूनिक हैं सेम ग्रुप के एलिमेंट का, स्मॉल साइज ऑफ लिथियम एंड बेरियम, हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम एंड बेरियम, स्मॉल साइज के करे स्ट्रांग पोलराइजिंग इफेक्ट, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लिथियम एंड बेरियम आयन विद सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट, दैट इज वाई लिथियम एंड बेरियम यूनिक फ्रॉम देयर अदर मेंबर्स इन सेम ग्रुप। अच्छा हाँ इन डायगोनल नेबर होंगी डायगोनल नेबर कें चबो आ, डायगोनल नेबर चबो आ वो एडजेसेंट ग्रुप एडजेसेंट पीरियड जा वारा एलिमेंट जैन फिजिकल प्रॉपर्टीज बारे में रिजेंबल कन एक जड़ी होजन दे आर डायगोनल नेबर, द एडजेसेंट
एडजेसेंट मना बराबर एडजेसेंट ग्रुप एंड एडजेसेंट पीरियड द एडजेसेंट ग्रुप एंड एडजेसेंट पीरियड एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज है आर कॉल्ड डायगोनल नेबर उनके डायगोनल नेबर से जो इंदौ मिसाल पहले ग्रुप जो लिथियम सोडियम आ सेकंड ग्रुप जो बेरिलियम मैग्नीशियम आ थर्ड ग्रुप जो बोरान एल्यूमिनियम आ फोर्थ ग्रुप जो कार्बन सिलिकॉन आ लिथियम बे पीरियड जो आ सोडियम थर्ड पीरियड जो आ लिथियम जो डायगोनल केड़ो ही दो मैग्नीशियम लिथियम जो एडजेसेंट ग्रुप बेरिलियम आ लिथियम जो एडजेसेंट पीरियड सोडियम फैमिली आ पीरियड भी लिथियम मैग्नीशियम बई डायगोनल मैग्नीशियम जो लागी तो ग्रुप जो बंसर आए एडजेसेंट पीरियड जो भी एलिमेंट आए तो जो पेयर है लिथियम मैग्नीशियम जो है डायगोनल पेयर बेरिलियम अड़ी तरह एल्यूमिनियम जो पेयर है बेरिलियम डायगोनल एल्यूमिनियम से अड़ी तरह बोरान जो डायगोनल सिलिकॉन बोरान डायगोनल विथ सिलिकॉन है अच्छा अड़ी तरह थर्ड ए ग्रुप से गुड सेकेंड बी भी सेकेंड बी ग्रुप में जिंक जिंक जो पीरियड नंबर जो फोर आ एल्यूमिनियम बिलोंग टू थर्ड पीरियड जिंक बिलोंग टू फोर्थ पीरियड लिथियम एल्यूमिनियम जो जिंक सा एल्यूमिनियम विथ जिंक है अच्छा अड़ी तरह फोर्थ ए ग्रुप जा डी ब्लॉक जा थर्ड बी ग्रुप फोर्थ बी ग्रुप स्कैंडियम स्कैंडियम इन स्कैंडियम जर्कोनियम स्कैंडियम वेनेडियम इन्हें जेठा जर्कोनियम स्कैंडियम जो पीरियड नंबर चार आ जर्कोनियम जो पीरियड नंबर फाइव आ स्कैंडियम थर्ड बी आ जर्कोनियम जो आ फोर्थ बी आ तो टोटल जी डायगोनल पेरा है पीरियडिक टेबल में सिर्फ पंजा है सब आंसर डायगोनल ना हूँ पंज पेयर पीरियडिक टेबल में जी डायगोनल लिथियम मैग्नीशियम बई एस ब्लॉक जहा बो वही बेरिलियम एल्यूमिनियम से एस बो पी ब्लॉक जो वरी बोरान सिलिकॉन सा बई पी ब्लॉक जा अड़ी तरह एल्यूमिनियम जिंक जो एल्यूमिनियम पी ब्लॉक जो जिंक डी ब्लॉक जो अड़ी तरह स्कैंडियम जर्कोनियम जो
हीप डी ब्लॉक है जो हीप डी ब्लॉक है जो तो डायगोनल पेयर आने पीरियडिक टेबल में 5 है टोटल लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्युमिनियम बोरान सिलिकॉन एल्युमिनियम जिंक स्कैंडियम एंड जर्कोनियम। यो इंट्रोडक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा उठाने ग्रुप ट्रेंड से ऑफ एस ब्लॉक ग्रुप ट्रेंड ऑफ एस ब्लॉक में ग्रुप ट्रेंड चाहूंगा द रेगुलर वेरिएशन चेंजेस है इन द प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड्स है आर कार्ड ग्रुप ट्रेंड से पीरियडिक टेबल में ब वेरिएशन होता है एकड़ो टॉप टू बॉटम बियो लेफ्ट राइट इन पीरियड तो हाँ जो टॉप टू बॉटम इंदो उनके ग्रुप चेबा जो लेफ्ट राइट इंदो पीरियड चेबो एकड़ो शो ग्रुप में बदंदी वे तो पीरियड में घट भी वे एकड़ो पीरियड में इंक्रीज थी वे तो ग्रुप में डिक्रीज थी वे The properties generally increase a top to bottom in group. केड़ियो properties आने जे group में वधन दियो ने कि group टॉप टू बॉटम जी केने वधन दियो ने वो केड़ी होने नंबर वन एटॉमिक साइज नंबर टू आयोनिक साइज नंबर थ्री मेटलिक करेक्टर नंबर फोर नंबर ऑफ शेल्स नंबर फाइव इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी नंबर सिक्स केमिकल रिएक्टिविटी नंबर सेवन डेंसिटी बिनी पासे जो बदलती है पीरियड में ग्रुप में डेंसिटी नंबर एट एटॉमिक वॉल्यूम नंबर नाइन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ लूजिंग इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी चेबो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ नंबर टेन इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल एक्सेप्ट लिथियम इन का सवा बो भी याद इंदी वो लिखना वेदे
ही प्रॉपर्टीज आहिनि जेके ग्रुप में वधंदियूं आहिनि। एटम साइज़ वधंदी आहे, आयोनिक साइज़ वधंदी आहे, मेटेलिक करेक्टर वधंदो आहे, नंबर ऑफ शेल्स वधंदा आहिनि, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी वधंदी आहे, केमिकल रिएक्टिविटी वधंदी आहे, डेंसिटी वधंदी आहे, एटॉमिक वॉल्यूम वधंदो आहे, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वठंदी आहे, वधंदी आहे, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वधंदो आहे। जारी वही प्रॉपर्टीज है जेके पीरियड में वधंदी होने। प्रॉपर्टीज इंक्रीज लेफ्ट राइट इन पीरियड। प्रॉपर्टीज इंक्रीज लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। नंबर वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर टू आईपी, नंबर थ्री इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नंबर फोर चार्ज डेंसिटी और न्यूक्लियर चार्ज, नंबर फाइव नॉन मेटलिक करेक्टर, नंबर सिक्स इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो पॉजिटिव वैल्यू होंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो। नंबर सेवन ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन्स इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी। नंबर एट डेंसिटी, नंबर नाइन नंबर ऑफ वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर टेन हाँ कड़ी शे लेफ्ट राइट इन पीरियड बदलती उन्हें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलती आयोनाइजेशन पोटेंशियल बदलती इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वधंदी आहे, चार्ज डेंसिटी वधंदी आहे या न्यूक्लियर चार्ज चइबो आहे, नॉन मेटेलिक करेक्टर वधंदो आहे, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वधंदो आहे, ऐं उन जी वैल्यू हूंदो आहे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ वधंदी आहे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी वधंदी आहे, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वधंदा आहिनि, आख़िरी शेल में इलेक्ट्रॉन वधंदा आहिनि। सो जनरली ये प्रॉपर्टीज आहिनि जेकी वरी पीरियड में वधंदियूं आहिनि। पीरियड वधंदियूं त ही ग्रुप में डिक्रीज थींदियूं, ऐं जेके ग्रुप में इंक्रीज थींदियूं आहिनि उहे पीरियड में डिक्रीज थींदियूं आहिनि। ग्रुप ट्रेंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट उनमें नंबर वन आ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहूंदो आ द टेंडेंसी आर पावर ऑफ एन एटम अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सेल्फ पांजो पान है इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम जी वासलायत तब एटम जी इलेक्ट्रॉन के जैसा शेयर के वही पान ने अट्रैक्ट करे उन्हें सलाह जो नालो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ग्रुप अमीन इट्टे इंक्रीजे लेफ्टे लिथियम टू बेरियम लिथियम टू बेरियम इन पीरियड ऑफ इस ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज इंक्रीजे चार्ज डेंसिटी बदलती है इंक्रीज चार्ज डेंसिटी लिथियम का बेरियम दे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलती है पीरियड में छो तो चार्ज डेंसिटी उन्हें पास रे बदलती है इटे डिक्रीज लिथियम टू सीजियम इन ग्रुप ग्रुप में घट भी है बिकॉज इंक्रीज एटॉमिक साइज जो तो एटम साइज बदल दिया माना एटम साइज आ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ ए चार्ज डेंसिटी सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ सेकंड आए आईपी सेकेंड ट्रेंड आ आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोर शेल फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड आईपी एनर्जी वेरिएशन केडिया इट्टे इंक्रीज लिथियम टू बेरिलियम इन पीरियड बिकॉज चार्ज डेंसिटी इंक्रीज बिकॉज चार्ज डेंसिटी इंक्रीज सागो रीजन आ ईएन वारो इट्टे डिक्रीज लिथियम टू सीजियम इन ग्रुप ग्रुप में घट भी आ ग्रुप में डिक्रीज थी आई पीरियड में इंक्रीज थी आ ग्रुप में डिक्रीज आई पीरियड में इंक्रीज बिकॉज इंक्रीज एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज आ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ एटम साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ मिसाल आ जेके ने सेकंड आईपी लिथियम जी वधिक हुंदी आ सेकंड आईपी और सेकंड ए ग्रुप ताई सेकेंड आईपी वैल्यू था अच्छी क्यों लिथियम जी फर्स्ट आईपी या फर्स्ट आईपी वैल्यू आई सेकेंड आईपी वैल्यू लिथियम जो है फर्स्ट प्लस 525 है आई सेकंड आ प्लस 7304 किलो जूल पर मोल आई बेरिलियम जो फर्स्ट आ 906906 सेकंड आ 1760 किलो जूल पर मोल है
आणि ही फर्स्ट आ आणि सेकंड आ सेकंड आय पी पहिले ग्रुप जो वधी कया सेकंड आय पी बे ग्रुप खां द सेकंड आई पी वैल्यू बे इलेक्ट्रॉन के कटबो आर सेकंड एनर्जी वैल्यू रिक्वायर्ड हों दो आ सेकंड आई पी उन्हें चेबो आ द सेकंड आई पी वैल्यू ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप इज हायर देन सेकंड आई पी वैल्यू ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स फर्स्ट आई पी वैल्यू बे ग्रुप जो वधी कया नौ सौ छह पहले जो घटा सेकेंड आई पी पहले जो वधी कया बे जो घटा ॾिसो हाणे फ़र्क़ु कहिड़ो आहे लिथियम जो एटॉमिक नंबर आहे थ्री न्यूक्लियस ॿ इलेक्ट्रॉन केशील में हिकिड़ो एलमी के में ॿ इलेक्ट्रॉन एलमी हिकिड़ो बेरियम जो एटॉमिक नंबर चार आहे के में ॿ इलेक्ट्रॉन एलमी ॿ इलेक्ट्रॉन के में ॿ एलमी ॿ इलेक्ट्रॉन पाइव इलेक्ट्रॉन हिन जे लाशील में हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन आहे हिन जे वटि ॿ आहिनि हिन वटि घटि आहिनि त हिन जी साइज़ वॾी हूंदी ऐं हिन जो पहिरियों इलेक्ट्रॉन रिमूव कयोसीं त हेतिरी एनर्जी खपे हिन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कयोसीं त हेतिरी एनर्जी रिक्वायर्ड थी ऐं जॾहिं सेकेंड इलेक्ट्रॉन लिथियम जो कढंदासीं त उहो के शेल मां वेंदो के शेल मां एल मां हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन कढियोसीं हाणे जॾहिं सेकेंड ईंदो त के मां वेंदो कंप्लीट शेल मां निकिरंदो ऐं जॾहिं कंप्लीट शेल मां निकिरंदो त उते एनर्जी वैल्यू छा खपंदो वधीक पर जॾहिं सेकेंड इलेक्ट्रॉन असां कढंदासीं बेरियम जो त एलमी सेकेंड इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट आहे एलमी ऐं उतां एनर्जी घटि खपंदी त जॾहिं सेकेंड इलेक्ट्रॉन पहिरें ग्रुप जे आंसर मां कढियो वेंदो त उहो ऑक्टेट या कंप्लीट शेल मां निकिरंदो ऐं उनजे करे उनजो सेकेंड आई पी वैल्यू वधीक थींदो एज़ कंपेयर टू सेकेंड ग्रुप एलिमेंट खां मिसाल आहे हाणे हिकिड़ो सवाल आहे विच आई पी वैल्यू is greater in same element which IP value is greater if same element same atom remove the electrons remove the electron फर्स्ट आई पी सेकेंड आई पी या थर्ड आई पी त जवाब में छा ईंदो थर्ड आई पी एम आहे उन इलेक्ट्रॉन कढियो पहिरियों इलेक्ट्रॉन ईंदो त उन चइबो आहे फर्स्ट आई पी वरी उन साॻे मां सेकेंड वेंदो त उन जे लाइ जेकी एनर्जी खपंदी सेकेंड आई पी वरी उन मां जॾहिं थर्ड इलेक्ट्रॉन कढंदासीं त उन लाइ जेकी एनर्जी खपंदी त उन चइबो थर्ड आई पी थर्ड आई पी ग्रेटर हूंदी आहे सेकेंड सेकेंड ग्रेटर हूंदी आहे फर्स्ट आई पी पर जेकॾहिं सवाल ते विच आई पी वैल्यू इज ग्रेटर
एफ, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स केड़ो आईपी वैल्यू वडो होंदो थर्ड ग्रुप जेंसरन जो। सेकंड आईपी वैल्यू थर्ड आईपी वैल्यू फोर्थ आईपी वैल्यू फिफ्थ आईपी वैल्यू विच आईपी वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑफ सिक्स थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट तानी थर्ड ग्रुप जा की शेला में ट्रे लिखाना होंदा जे बोराना एटॉमिक नंबर 5 न्यूक्लियस के शेल में बे इलेक्ट्रॉन है एल में एकड़ो बैटरी पहली आईपी वैल्यू रहा पहलू इलेक्ट्रॉन बियो सेकंड कटना सेकंड आईपी वैल्यू खपे थर्ड इलेक्ट्रॉन कटो थर्ड आईपी वैल्यू खपे देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन कटना से तो के शेल में आवेदो आई फोर्थ आईपी वैल्यू इन तिनी का वधिक थिंदो ता फोर्थ आईपी वैल्यू ग्रेटर देन इन फिफ्थ ने लिखो कोबनर फोर्थ आईपी वैल्यू ग्रेटर देन थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट आईपी वैल्यू तो ते ट्रे ग्रुप जे आखरी शेयर में ट्रे इलेक्ट्रॉन होंदा ट्रे निकली विया चौथो जडे निकरंदो इलेक्ट्रॉन त कंप्लीट शेल मा आविंदो आई ओने मी जडे इलेक्ट्रॉन कटंदा सी त आईपी वैल्यू सबनी का घणो खपंदो। बियो सवाल अचो विच इज करेक्ट है विच इज ए करेक्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑप्शन ए लिथियम सोडियम पोटेशियम बी लिथियम बेरिलियम सोडियम सी सोडियम मैग्नीशियम बेरियम डी बेरियम लिथियम सोडियम इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होंदो ये एरो आ इंक्रीजिंग ऑर्डर पहला लेस पो वधिक पो अन्या वधिक एरो हिने निशाने के निसबो तहाने लिथियम सोडियम पोटेशियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम इन चेन में वेरिएशन आ लिथियम जी आईपी वैल्यू लेसा सोडियम जी अन्या लेसा पोटेशियम जी अन्या लेस मना ही ग्रुप में तो अजे मना ही गलत थी हो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आयो यो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ए ऑर्डर वरी लिथियम बेरिलियम लिथियम वरी बेरिलियम वरी सोडियम लिथियम जो घटा बेरिलियम वधिक सोडियम जो वरी घट थी हो यो इरेगुलर ऑर्डर आ वरी सोडियम जो घटा मैग्नीशियम जो आईपी वधिक आ बेरिलियम जो अन्या वधिक आ मना ही जी क्वा करेक्ट आंसर आ यो इंक्रीजिंग ऑर्डर आ हिन में बेरिलियम वधिक आ पोइते तो के लिथियम घट थी हो मना यो गलत आ सोडियम जी आईपी वैल्यू लेस आ मैग्नीशियम जो वधिक आ बेरिलियम जो अन्या वधिक आ सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी वैल्यूज। बाय बाय इट इज इनफ टुडे।
ओके अल्लाह हाफिज़।